मेरा नाम दविंदर सिंह, जम्मू से। मैं न्यूज़पेपर का काम करता था। 30 दिसंबर को मैंने सुबह निकला तो रास्ते में मेरे को कुछ नशाखोरी मिल गए, जिन्होंने मेरे पर अटैक कर दिया। लूटने के चक्कर में उन्होंने मुझ पर ऐसा वार किया कि मेरे दोनों घुटने काट दिए और हाथ भी काट दिया। तो चलो, मैंने कुछ गाड़ी वाले आए, उन्होंने रोक के मेरे को देखा और मेरे घर में फोन किया, पर घर वाले भी जल्दी आ गए। अमरजेंसी में हम बीजीपुर हॉस्पिटल में गए, वहां पर इसका इलाज नहीं था, उन्होंने रेफर कर दिया अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। हम हॉस्पिटल पठानकोट में आ गए, वहां पर अमरजेंसी ऑपरेशन किया मेरे डॉक्टर ने, उस ने। बीजीपुर वाले कह रहे थे कि आपकी टांगे काट दी जाएंगी, अब ये नहीं चलेगी, सिर्फ नसें ही बची थी, लेकिन नवजोत सर ने इतनी मेहनत की कि आज मैं 5 महीने बाद अपने पैरों पर चल रहा हूँ। डॉक्टर साहब की कुछ मेहनत, कुछ भगवान की मेहनत, भगवान ने कुछ दिया कि मेरे पर, तो आज मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ, चल फिर लेता हूँ। तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर नवजोत सर का कि जिन्होंने मुझे इस पोजीशन में पहुँचा दिया। अगर मैं जम्मू होता शायद मैं नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वहाँ पर इतना ट्रीटमेंट नहीं था जितना अमरदीप हॉस्पिटल में इनका इलाज है। नमस्ते जी, मैं डॉक्टर नवजोत सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। ये पेशेंट मिस्टर दविंदर जी साढ़े को तकरीबन 4.5 महीने पहला आए थे हॉस्पिटल, तो इन्हों मल्टीपल इंजरीज आई सगिया। कुछ इंजरीज बहुत ज़्यादा गंभीर सगिया, जिस तरह कि इन्हों के दोनों घुटनों पर जो उन्होंने तलवारों से वार किया तो पूरे दे पूरा घुटने के लेवल पर उनको पूरे टांग को काट दिया गया था, जिसमें अगर टेक्निकली हम बात करें तो उस पेशेंट का जो घुटने की चपनी होती है उसके ऊपर से जो वार किया था उससे इसका एक क्वाड्रिसेप्स टेंडन होता है वो कट हो गया था, आगे जाके उसकी जो फीमर बोन है उसका भी फ्रैक्चर हो गया था, और दोनों घुटनों में ऐसे सिमिलर चोट थी कि जिसमें क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो होता है जो घुटनों को टांग को सीधा करने में मदद करता है, और फीमर बोन दोनों चीज़ों को इंजरी हुई थी और बुरी तरह कट गई। इस पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था जिसके कारण इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, तो पेशेंट को पहले इमीडिएटली इमरजेंसी में रिसक्सीटेशन की गई जिससे कि इसके वाइटल्स वगैरह बीपी वगैरह जो है वो स्टेबलाइज किया गया। उसके बाद इसको हमने ऑपरेशन थिएटर में लिया, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद इसका इलाज हुआ जिसमें हमने इसके क्वाड्रिसेप्स टेंडन को पूरा रिपेयर किया, साथ में जो फीमर बोन फ्रैक्चर थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक खास किस्म का फ्रैक्चर थे जो कि जॉइंट्स तक एक्सटेंड होते थे और वो फ्रैगमेंट बड़े ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटे थे जिसके कारण कि उनको फिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है, पर हम ऑपरेशन के दौरान ये सारी चीज़ें करने में कामयाब हुए। तो इस ऐसी चोट के बाद दिक्कत जो आती है वो पेशेंट को ये आती है, या तो पेशेंट का घुटना मुड़ता नहीं है, या फिर कई बार क्वाड्रिसेप्स टेंडन की जब इंजरी हो जाती है तो पेशेंट अपनी लेग को अपने आप उसको स्ट्रेट नहीं कर पाता, जिसको स्ट्रेट लेग रेजिंग कहते हैं, या चलने में उसको दिक्कत आती है, या टेक्निकली भाषा में एक्सटेंसर लैग बोलते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। परंतु सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद प्रॉपर इस गाइडेंस हमने दी इसको, जिसको इन्होंने बखूबी फॉलो किया। फॉलो करने के बाद इनकी जो रिहेबिलिटेशन है, जो फिजियोथेरेपी है, वो प्रॉपरली कर पाए हम। आज 5 महीने बाद ये मेरे कैबिन में चल के आए थे और अपना पूरा वेट डाल रहे हैं लेग्स पे, नी है वो बेंड भी हो जाता है और पूरी लेग स्ट्रेट भी कर पाते हैं, और ये आज अपनी जो डेली रूटीन एक्टिविटी है और अपने काम में वापस आ चुके हैं। थैंक यू।